लिए मोदी जी के जाने से क्या होगा? विकास कार्य ठप हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन और क्या होगा? पड़ोसियों का तांडव बढ़ेगा, पाकिस्तान फिर आतंक को बढ़ावा देगा, नशे की तस्करी बढ़ाएगा, लेकिन हम जवाबी कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ चीन कहीं भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होगा तो कभी भारत को आंख दिखाएगा, लेकिन सेना चाकर भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि सेना के हाथ बांध दिए जाएंगे। डेमोग्राफिक चेंज होगा, देश में अवैध घुसपैठियों को घर जमाई बनाए रखने वाले नेता क्या इन्हें ही नागरिकता नहीं देंगे वोट के बदले? इन्हीं के सहारे ये विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे और ये ना जाने अल्पसंख्यकों को कौन सा हक और आरक्षण दिला देंगे। यही नहीं, ना जाने हमारी और कितनी जमीनें वक्फ बोर्ड के खाते में चली जाएंगी। हमारा देश तो रहेगा लेकिन यहाँ की जनता बदल जाएगी। ना जाने कितने कश्मीर और मुजफ्फरपुर बनेंगे और कोई मोदी योगी नहीं होगा। धर्मांतरण और गजवा ए हिंद को बढ़ावा मिलेगा, गजवा ए हिंद का सपना देखने वाली संस्थाओं को पूरी छूट मिल जाएगी और वो फिर से अपनी धर्मांतरण की फैक्ट्रियां खोल बेझिझक चलाएंगी। जो भी हिंदू और भारत विरोधी संस्थाएं हैं, क्या आपको लगता है उन पर बैन कायम रहेगा? तुष्टिकरण में लिप्त नेता फिर से कार्रवाई के आड़े आएंगे, ऐसे संगठनों पर दर्ज केस वापस ले लिए जाएंगे और जो NIA ऐसी संस्थाओं पर कार्रवाई करते हैं उसके हाथ बांध लिए जाएंगे। ना रहेगा धर्मांतरण कानून, ना रहेगा भारत में हिंदू बहुसंख्यक, हर घर में एक केरला स्टोरी लिखी जाएगी। हिंदू विरोधी कार्य तेज होंगे, सेक्युलर नेता अगर आज हिंदू त्योहारों पर रोक लगाते हैं तो सोचिए कल जब मोदी ना होंगे तब क्या होगा। हर शहर में ताहिर हुसैन जैसे गुंडे राजनीतिक पार्टियों की शह पर पूरी तैयारी के साथ हिंदुओं पर हल्ला नहीं बोलेंगे। शिवलिंग का और कितना अपमान होगा और कितने कन्हैया लाल अपनी जान गंवाएंगे? धन की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल या गौ रक्षकों की रक्षा कौन करेगा? उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि गौ माता पर भी अत्याचार बढ़ जाएगा। देश को मिले रोबोटिक PM, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग $1 बिलियन का जोर सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि देश का PM बदल जाए, तो सोचिए कि किस तरह रोबोटिक PM दोबारा देश को मिल जाएगा। क्या ऐसा PM देश विरोधी NGO को काबू कर पाएगा? आज की तारीख में एक अकेला इंसान जूझ रहा है इन सारी समस्याओं से, लेकिन अगर वो इंसान नहीं रहा तो भारत के विश्वगुरु बनने का सपना टूट जाएगा। दुनिया में जो सम्मान भारत को मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि हम अपनी आंतरिक समस्याओं और मुफ्त की राजनीति में ही उलझ कर रह जाएंगे। ऐसे में भारत को दोबारा आज की स्थिति में पहुँचाने से फिर से 70 साल लग सकते हैं।